निहारिका भवन में हम खड़े हैं, अब शुरुआत करेंगे हम यात्रा की। और हमारे हरीश भैया यात्रा की शुरुआत में कुछ कहना चाहेंगे। जय माता दी जी। जय माता दी सभी को। जय माता दी सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हम इस महारानी के इस पावन दरबार में आप सभी के आशीर्वाद और दुआओं से आज यहाँ पर महारानी के दर्शन करने आए हैं। और कल महारानी की चौकी रखी है देवा माई के मंदिर में, जहाँ पर महारानी 110 साल तक कंजक रूप में रही, जहाँ महारानी गोटियों से खेलती थी। तो आज उस देवी माँ उस कन्या रूप के अंदर जहाँ महारानी विराजमान है वहाँ पे दर्शन करने आए हैं। और महारानी की चौकी पे सभी अपने परिवार सहित आए हैं। जयकारा शेरा वाली का बोल साजे दरबार की जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सरदारी जय। ओ मेरी आन रखना मेरी शान रखना मैया बेटे का तुम ध्यान रखना। ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपक जी हैं जी, मुंबई से आए हुए हैं। अरे वाह। और हमें यहाँ पे बुलाया, कहते हैं आप हरीश प्रूथी जी हो, तो बड़ा अच्छा लगा कि लोग हमें जानते हैं और इतना प्यार भी। कहीं ना कहीं मतलब छोटी सी दुनिया है, कहीं ना कहीं वो मिल जाता है। और ये महारानी के बहुत बड़े भक्त हैं और देवा माई में सेवा करते हैं। और आज ये अब ये झंडा लेके दरबार पे जा रहे हैं, उसके बाद देवा माई में फिर आएंगे और कल चौकी में भैया से मुलाकात करेंगे। मैनू अपना दीवाना बना दे, मैनू अपना दीवाना बना दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा खेल लगदा, ओ मेरी चोली विच खैर मैया पा दे। दोस्तों हमें इस चीज का बड़ा दुख है कि घोड़े वालों की यहाँ अपनी मनमानी चल रही है। हमारे भाटिया जी बड़ी हिम्मत करके चिंता नहीं करो आप, घोड़ों की चिंता करो। और ये समझ नहीं आ रहा है, इनको देख के 200 रुपए ज्यादा मांगते हैं और इनको देख के कहते हैं फ्री में आ जाओ, तो ये क्या चक्कर है, ये समझ में नहीं आया। दोस्तों ये हमारे गुलाटी साहब है, कहते हैं सीढ़ियां पकड़ेंगे और इस उम्र में भी ये इनकी फुर्ती देखो आप, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। दोस्तों सीढ़ियां वाकई मुश्किल है, जितने भी हमारे जवान यंग मैन थे सब थक गए हैं, अगली हम सीढ़ियां नहीं पकड़ेंगे। तो दोस्तों फाइनली 25 घोड़ों से पूछने के बाद कोई घोड़ा नहीं करा, हमने पैदल आए हैं। और ये देख सकते हो हमारे साथ ये सब यंग यंग प्लेयर है, संजय भैया सबसे यंग है हमारे, और ये भैया सबसे बड़ी उम्र के हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव, 27 साल की है। और माता रानी का बड़ा आशीर्वाद रहा, यहाँ पहुंचने के बाद बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो हम अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो अब हम हिम कोटि मार्ग से होते हुए सीधा जा रहे हैं। चल रहे चल रहे चलो। ये भैया कह रहे हैं मैं हाथी मत्ते से जाऊंगा, तो ये जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारे भैया आज पहली बार वैष्णो देवी आए हैं, तो भैया क्या कहना चाहोगे बताओ आप। देखो जय माता दी, और मैं मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे को हरीश मूर्ति भैया जी लेकर आए हैं, जो मुझे मिलवाने वाले हैं वो हमारी आदरणीय वैष्णो दीदी है और हमारे जतिन भाई है, इन सभी का प्यार और इनका सभी का आशीर्वाद चाहिए। जय माता दी। तो हरीश भैया क्या कहना चाहोगे इस बारे में, मतलब आप दिन पे दिन इतने बढ़िया कार्य करते जा रहे हो, इतना नाम कमाते जा रहे हो, क्या कहना चाहोगे। महारानी करा रही है तो मैं कर रहा हूँ।
चरना का प्यार मायने मेनू रख ले सेवादार। अब हम आपको मिलवाएंगे एक माँ के शेर से, ये लीजिए सुनिए माँ के शेर को। माँ शेरा वाली है, तेरा शेर आ गया। दोस्तों ये शेर गा रहा है या रो रहा समझ नहीं आ रहा। दोस्तों 2:15 का टाइम है और अच्छी दोपहर का 2:15 का टाइम है और बहुत अच्छी खासी ठंड है और आप देख सकते हो मतलब फॉग बहुत ज्यादा है और ये हम बादलों में चल रहे हैं, बादलों में आप देखो मतलब। तो ये हमारे भैया थे, कहाँ गए सारे ऐसे समाज, सारे ऐसे लोग बादलों में चल रहे हैं। तो ये हमारे भैया थे, ये कह रहे थे मुझे ठंड नहीं लगती। कह रहे यार मुझे गर्मी बहुत है, ठंड नहीं लगती है। उसको कह रहे मेरी शॉल दे दे, ये देखो शॉल, किसी और की शॉल पकड़ लिया इन्होंने ये। तो ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों 4 बज चुके हैं पर ठंड बहुत ज्यादा है, उम्मीद से भी ज्यादा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पर मुझे उम्मीद है जैसे हम माता जी के दर्शन करेंगे एकदम बढ़िया वाले तो सारे दुख दर्द अपने भूल जाएंगे और सिर्फ एक ही आवाज आएगी, क्या जय माता दी। दोस्तों बहुत तेज बारिश है, आप देख सकते हो ठंड इतनी है कि डबल कैप लगानी पड़ रही है और बारिश। जय माता दी, जय माता दी, कृपा बनाए रखना, सुख शांति देना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हाथी मत्था, जय माता दी, पानी झंडा, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कत्ते जाओ आने जाने वालों को फिर मत देखो, के पाओ के छालो को जय करो शिरोली का जय बाबा की। दोस्तों आज बहुत ही ज्यादा संघर्ष के बाद और बहुत ही ज्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं और हमारे भाई सब कुछ कहना चाहेंगे। माता रानी की कृपा से बहुत सबको अच्छे दर्शन हुए और सबसे प्यारी बात रही कि आज सावन का महीने के हिसाब से लगा, बारिश बहुत अच्छी रही। माता रानी सबको आशीर्वाद दिया, सबके घर गुले भंडार से बनाए रखे। और हमारी भाभी जी, भाभी जी भी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? भाभी जी हर चीज का आनंद लेना चाहिए, बारिश का, ओले का, हवा का, सबका। और कुछ और आप कुछ कह रहे? जय माता दी, 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 जय माता दी। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है।